गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज की क्लास इंग्लिश में 11th में लेसन फर्स्ट में एक पोयम दी हुई है, अ फोटोग्राफ, ऑथर शर्ली टॉल्सन। अ फोटोग्राफ मीन्स पिक्चर या तस्वीर। द पोएट शर्ली टॉल्सन वॉज अ ग्रेट पोएटिस जर्नलिस्ट फेवरेट टीचर। शर्ली टॉल्सन जो एक महान कवित्री, पत्रकार, जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार, फेवरेट टीचर एक प्रिय अध्यापक एंड एडिटर और संपादक थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 20 मई 1924 इन इंग्लैंड। उनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। हर फर्स्ट बुक वॉज उनकी पहली किताब पब्लिश्ड इन 1960 में प्रकाशित हुई थी। सी वुड पार्टिसिपेट इन इस सोशल एक्टिविटीज आल्सो। उन्होंने समाज सेवा के रूप में भी भाग लिया। अबाउट द पोयम में देखें, कवित्री कहना चाहती हैं कि मनुष्य की जो जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं और वो कैसे कैसे बीतती जाती हैं यहाँ देखेंगे। इन दिस पोयम द पोएटेस हैज टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। इस पोयम में कवित्री ने मनुष्य के जीवन के बारे में बताया है। इट इज शॉर्ट लिव्ड, ये मनुष्य का जीवन संक्षिप्त होता है, नश्वर होता है। चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, बचपन जवानी में बदल जाता है। यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज, और जवानी बुढ़ापा में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। मैन बिकम्स सैड, और मैन दुखी हो जाता है, उदास होता है। रिमेम्बरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, अपनी भूतकाल की, अपनी बीती हुई बातों को या स्मृतियों को याद करते हुए वो बहुत दुखी होता है। नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोएटेस, आइए हम कवित्री के बारे में पढ़ें। मदर एंड फाइंड 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, कवित्री की माँ के बारे में इस पाठ में पढ़ें और मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाओं के बारे में जानें। पोयम स्टेंजा नंबर 1, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। कार्डबोर्ड यानी जो फोटो का फ्रेम है उसमें फ़ोटो लगी हुई है। शोज मी, कवित्री कहती हैं कि वो मुझे दिखाता है वो फ़ोटो। हाउ इट वॉज, किस समय की तस्वीर थी। व्हेन द 2 गर्ल, जब 2 लड़कियां कजन्स जो चचेरी बहनें थी, वेंट पैडलिंग, जो समुद्र में छुट्टियों को बिताने के लिए गई थी, और पैडलिंग जिनके पैर पानी में थे, समुद्र के पानी में थे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी उस फोटो में 3 बच्चियों का फोटो है जिसमें मेरी माँ की भी फोटो है और 2 बहनें मेरी माँ के हाथ को पकड़े हुए हैं। एंड सी द गर्ल, द बिग गर्ल, वह सबसे बड़ी लड़की थी, यानी अपने माँ की फ़ोटो को बता रही हैं कवित्री। शम 12 ईयर्स आर सो, यानी 12 वर्ष के करीब। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, और 3 अपने बालों को बिखेरे हुए और मुस्कुराती हुई फ़ोटो तस्वीर खिंचवा रही हैं। एट दी अंकल विद दी कैमरा, और चाचा जी कैमरा लिए हुए सामने खड़े हैं। अ स्वीट फेस, एक मधुर चेहरा यानी एक सुंदर चेहरा। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म के पहले मेरी माँ बहुत ही सुंदर थी। यानी यहाँ कवि का तात्पर्य है कि जब मेरी माँ बच्ची थी, युवावस्था थी, उस समय वह बहुत सुंदर हुआ करती थी। एंड द सी विच appears to have changed less, और जो समुद्र
बहुत कम बदलने वाला होता है वह अभी भी उसी तरह का दिख रहा है, बहुत कम परिवर्तन उसमें आया है। वॉश्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उनके भंगुर पैरों को धोता हुआ प्रतीत होता है। यानी जो तीनों बच्चियां समुद्र में खड़ी हुई हैं उनके पैरों के नीचे पैरों को धोता हुआ समुद्र का पानी दिख रहा है। यानी समुद्र पैरों को यहाँ ट्रांजिएंट फीट इसलिए कहा गया कि पैर क्षण भंगुर होते हैं और समुद्र नष्ट होने वाला नहीं होता है। स्टेंजा नंबर सेकेंड देखें, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 सालों बाद, लेटर मिस बाद, सी हैड लॉफ एट द स्नैपशॉट, वह फोटो को देखकर हंसती थी। यानी माँ जब 30 साल की हुई, 20-30 वर्ष की, तो वह अपनी फ़ोटो को देखकर बहुत हंसती थी। सी उड, यहाँ शॉर्ट फॉर्म उड का लिखा हुआ है, सी देख करके वो कहती थी, बेटी डॉली, वह कहा करती थी, देखो वह बेटी, उस डॉली को देखो। सी उड से वो कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे, वो किस तरह की दिखती हैं, ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हम लोगों ने समुद्र में जाने के लिए, बीच मीन्स होता है समुद्र तट, समुद्र तट जाने के लिए हमने किस तरह के कपड़े पहन रखे थे। द सी हॉलीडे, छुट्टियां बिताने के लिए, वॉज हर पास्ट, अपने भूतकाल में, माइन इज हर लॉफ्टर, यानी मेरी हंसी किस तरह की होती थी, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, क्योंकि वह सब कुछ नष्ट हो गया था, लॉस मीन्स कमी होना। स्टेंजा नंबर थर्ड देखें, नाउ सी इज, सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब वह कई वर्षों पहले मर चुकी हैं। यानी यहाँ कवित्री बताना चाहती हैं कि अब मेरी माँ की मृत्यु के कई वर्ष हो चुके हैं और फोटो जो तस्वीर है वो अब भी लगी हुई है। As that girl lived, और वह फोटो मरने के की उम्र लगभग, मरने के बाद लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि जब वह लड़की हुआ करती थी, जब फोटो खिंचवाई थी तो 12 वर्ष की थी और उतने ही वर्ष अब हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सरकमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, एंड ऑफ दिस सरकमस्टेंसेस, इन सभी परिस्थितियों के बावजूद भी, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और कवित्री कहती हैं कि इट्स साइलेंस इज साइलेंसेस, और उसकी चुप्पी ही मुझे चुप करा देती है। साइलेंस माने चुप्पी यानी शांत, तो उस फोटो की जो चुप्पी है वह मुझे शांत करा देती है। अर्थात कवित्री फोटो को देखकर, अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत दुखी हैं। यह पोयम आपकी समाप्त हुई, दैट इज़ फिनिश दिस पोयम, एंड दैट इज़ इनफ फॉर यू टुडे, आई विल टीच यू नेक्स्ट डे द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।